स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी की नव निर्वाचित सांसद और हीरोइन कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। जी हां, खबर आ रही है कि कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मारा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है सीआईएसएफ महिला जवान पर ही, चूंकि सीआईएसएफ सिक्योरिटी उन्हीं के हवाले होती है एयरपोर्ट की, तो उसी दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीआईएसएफ महिला जवान पर ही आरोप लगा है कंगना को थप्पड़ मारने का। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से चंडीगढ़ की तस्वीरें एयरपोर्ट की सामने आई है, जहां पर सिक्योरिटी में तैनात सीआईएसएफ की ही महिला कर्मी की तरफ से कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है यह आरोप लग रहा है। इसके बाद क्या परिस्थिति बनी हुई थी उसी की तस्वीरें सामने आई हुई हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट में जब चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, उस दौरान महिलाओं का रास्ता अलग होता है, पुरुष यात्रियों का रास्ता अलग होता है, तो ये माना जा रहा है, आरोप लग रहा है कि यहीं से कंगना रनौत सिक्योरिटी चेकिंग के जरिए जब जा रही थी, और महिला की जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो महिला अधिकारी की तरफ से ही, महिला सुरक्षाकर्मी की ही तरफ से की जाती है, तो उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है। और इसी दौरान इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया। क्यों मारा है थप्पड़, क्या वजह है इसके पीछे की, ये अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया, लेकिन तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं किस तरह से कंगना रनौत, जो कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से अभी हालिया आए चुनाव नतीजों में जीत कर आई हैं, बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिया गया मंडी लोकसभा सीट से, हिमाचल प्रदेश की ये कंगना रनौत जीत कर आई हैं। कई फिल्मों में काम किया बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को, इस तरह से अगर ये किया गया है या किसी के साथ भी अगर इस तरह से किया जाता है तो वो सही कहीं से भी नहीं ठहराया जा सकता। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अभी बताना अभी इसके लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कैसी स्थिति वहां पर बन गई थी, क्योंकि अचानक से जब कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बात सामने आई तो कंगना रनौत भी वहां पर थोड़ा देखते हुए पुलिसकर्मी, या यूं कहें कि माफ कीजिएगा सीआईएसएफ के जो कर्मी थे और जो वहां पर लोग मौजूद थे वहां पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, ये कोशिश उनकी तरफ से की गई। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का ये आरोप लगा है। तो वहीं मौजूद किसी यात्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें वहां पर रिकॉर्ड की गई हैं मोबाइल के जरिए, लेकिन कैसे एकदम से अचानक से अफरा तफरी सी वहां पर हो गई थी, अफरा तफरी से का माहौल वहां पर हो गया था, और इसी बीच ये अपने आप में सवाल उठने वाली बात कि आखिर क्या कारण है कि कंगना रनौत के ऊपर ये इस तरह से थप्पड़ मारा गया है। कंगना रनौत को फिलहाल यही आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी तय है कि अगर किसी यात्री को कोई जो सुरक्षा कर्मी है, जिसका काम है, जो ड्यूटी पर है, वो सुरक्षा में तैनात है, उसका काम चेकिंग करने का है, अगर वो इस तरह से करता है तो ये अपने आप में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेकर ये साफ कहा जा रहा है कि इसका कारण क्या है, इसका कारण फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं जो कंगना रनौत के साथ शायद यात्री हैं, या कंगना रनौत के जो सहयोग में कुछ वहां पर और भी लोग शायद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंगना भी काफी एग्रेसिव इस मायने में दिखाई दे रही है जाहिर तौर पर अगर आप जा रहे हो। यही वो महिला सीआईएसएफ कर्मी कहा जा रहा है कि जिनकी तरफ से ये थप्पड़ मारने के आरोप की बात कही जा रही है, तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की जिम्मेदारी देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करने की होती है, जो चाहे
जो एयरपोर्ट के परिसर का बाहर का हिस्सा होता है या अंदर जो चेकिंग होती है, सीआईएसएफ के ही महिला और पुरुष कर्मी ये अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। इन तस्वीरों पर, इस खबर पर आगे अपडेट देंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ राहुल गांधी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी जा रही है। ये देखिए, 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29th, 28th। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द 5 crore फैमिलीज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? सेकेंड, व्हाई बोथ इंटरव्यूज वर गिवन टू द सेम मीडिया हाउस ओन्ड बाय द सेम बिजनेस ग्रुप विच इज ऑल्सो अंडर सेबी इन्वेस्टिगेशन फॉर मैनिपुलेटिंग स्टॉक मार्केट? थर्ड, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द बीजेपी, द फेक एग्जिट पोल्स्टर्स एंड द डुबियस फॉरेन इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड वन डे बिफोर द एग्जिट पोल्स वर अनाउंस्ड and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication and this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 crore परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उस उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोल्स्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया। बार बार गृहमंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए, आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेंगे, एक एक करके। आई हैवंट सेड द क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश, सो आई विल से द क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश। और नजर आएगी इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं जयपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे शाम 7 बजे। जयपुर से दिल्ली के लिए
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना होंगे दिल्ली में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे और इसी से जुड़ी यह खबर है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक होनी है कल, उसमें भी हिस्सा उनको लेना है और शाम 7 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना होंगे दिल्ली में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपने सांसदों को निर्देश दिया गया है इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में ना रहने को कहा गया है। शिवसेना शिंदे पार्टी की तरफ से लोकसभा की 7 सीटें जीती गई हैं। उद्धव गुट से संपर्क में रहने की खबरें भी सामने आई थी। शिवसेना शिंदे के सांसदों की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कहें कि शिवसेना उद्धव गुट की जो राजनीतिक दल है उनके संपर्क में रह रहे हो, क्योंकि अभी ये बड़ी खबर इस बीच निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी, एक शिवसेना उद्धव गुट के तौर पर और दूसरी शिवसेना शिंदे गुट के तौर पर सामने आई थी। एनडीए सरकार गठन से पहले ही शर्तों पर बात हो रही है। मंत्रालय को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के अंदर खाने चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टीडीपी जेडीयू सरकार में भागीदारी के लिए बड़े मंत्रालय की डिमांड कर रही है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन इस बार सरकार के गठन में शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी का जितना वजन है उसकी उतने ही टशन है। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से सरकार में बड़े मंत्रालयों की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है स्पीकर पद समेत 5 बड़े मंत्रालयों की मांग टीडीपी की ओर से की गई है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू भी सरकार में भागीदारी के लिए मंत्रालयों की डिमांड पर अड़ी है। हालांकि ये सब सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा। जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले ये हमारी इच्छा है। चिराग पासवान भी एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल है। ऐसे में एनडीए की सरकार में उनको भी मंत्रालय मिलना तय है। हालांकि उनकी ओर से कोई मांग नहीं की गई है। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूं और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुकरा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। बिहार से ही जीतन राम मांझी की पार्टी ने एक मंत्रालय की मांग की है। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे रामदास अठावले भी मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर के कम से कम 20 राज्यों में मैं जाकर आया हूं और वहां के मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोलकर मैं उधर आया था। तो इसीलिए इस वक्त मेरी मांग है कि हमको क्या कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए सरकार में इस बार शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी की जितनी सीट है वो अपने हिसाब से सरकार में भागीदारी पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर आ रही है सूत्र के हवाले से। बड़ी खबर, 9 जून को शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जी हां, सोर्सेज से ये बहुत बड़ी जानकारी और खबर आपको बताते हुए 9 जून शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं। सोर्सेस की तरफ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 9 जून दिन रविवार, संडे के दिन 9 जून दिन रविवार 7:15 ये जानकारी मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस जानकारी के साथ ही साथ हमने आपको पहले ये खबर भी बताई थी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और शेख हसीना प्रधानमंत्री
बांग्लादेश उनको भी न्योता दिया गया है। इस समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ या यूं कहें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उनको भी न्योता दिया गया है। तो सोर्सेस से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, हालांकि कल तक ये जानकारी मिल रही थी कि इसके अलावा अगली खबर का ये रुख करते हैं। नई सरकार में हर गठबंधन का नेता अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई मंत्रिमंडल की मांग कर रहा है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि मंत्रालय पर कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, कोई मोलभाव नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अग्निवीर योजना के लिए समीक्षा करने की बात कही है, साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी इच्छा जाहिर की है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। दो महत्वपूर्ण विषय है, वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की पिछले करीब 7 घंटे से अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में नई सरकार के गठन और सहयोगी दलों की भूमिका समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो 7 घंटे से मैराथन बैठक चल रही है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जेपी नड्डा के आवास पर यह मैराथन बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी की पिछले करीब 7 घंटों की ये बैठक चल रही है। दिग्गज नेता इस वक्त बीजेपी के इस बैठक में शामिल है। इस बैठक में नई सरकार के गठन के लेकर, सहयोगी दलों की भूमिका को लेकर, नई सरकार के स्वरूप को लेकर अहम मुद्दों समेत कई मसलों पर चर्चा की जा रही है। और आइए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। पंजाब के कई इलाकों में एनआईए ने सर्च ऑपरेशन किया है। गैंगस्टर गोल्डी बरार के गुर्गों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया है। गोल्डी बरार समेत अन्य गैंगस्टर्स की जानकारी देने की अपील जारी हुई है। एनआईए ने लैंडलाइन व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। ये लैंडलाइन नंबर आपको बताते हैं, 0172 ये कोड है। और दूसरा मोबाइल नंबर की अगर बात करें, 2682901268290101। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7743002947। साथ साथ 4300-2947। गोगा मेड़ी हत्याकांड की एनआईए की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। उगाही और धमकी देने से भी जुड़ा हुआ यह मामला कहा जा रहा है। जोधपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। यह कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना के तहत की गई थी। मगजी की घाटी पर वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग, पुलिस, जेडीए, नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। अतिक्रमण हटाने पहुंचे दस्ते ने स्थानीय लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा, और फिर भी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुख्य रोड के नजदीक बने पक्के मकान के बाहरी हिस्से को ध्वस्त किया है और स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी है। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम, स्थानीय लोगों ने किया भारी विरोध, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर जोधपुर प्रशासन ने गुरुवार को सूरसागर स्थित बेरी गंगा वन क्षेत्र और मगजी की घाटी पर हुए वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसके विरोध में वहां पर जमकर प्रदर्शन हुए, सरकारी कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक के बाद एक जेसीबी मशीनों से पक्के बने मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय बाशिंदों ने विरोध जताया। ये स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।